हेलो, मैं हूँ अव्वल और मेरे साथ हैं साक्षी। बॉम्बे से गोवा जाने के चार तरीके हैं, ट्रेन से, प्लेन से, रोड से और पानी से। आज हम पानी वाला रास्ता अडॉप्ट करने वाले हैं। सो आज हम क्रूज से बॉम्बे से गोवा जाने वाले हैं, तो ये जर्नी मेरे साथ कवर करेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हम जा रहे हैं पोर्ट की तरफ जहाँ से हम क्रूज लेंगे और गोवा पहुँचेंगे। ये क्रूज कुछ स्पेसिफिक डेट्स पर मुंबई से चलता है शाम को 4 बजे और अरेबियन सी के रास्ते गोवा पहुंचता है नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे। चलिए अब टिकट्स ले लेते हैं। अभी हमें बोर्डिंग पासेस मिल गए हैं और हम सिक्योरिटी चेक की वेट कर रहे हैं। यहाँ पे इस रूम में सिक्योरिटी चेक होगा और फिर हमें शायद उस क्रूज पे लेके जाएंगे। वो शिप है जो हमारी शिप है, मैं जूम कर सकता हूँ। इस शिप का जो डॉक है वो पानी के बीच बना हुआ है, लैंड से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हमें एक फेरी के थ्रू उस डॉक तक ले जाया जाएगा जहाँ से हम इस शिप को बोर्ड करेंगे। इस क्रूज पर अलग अलग टाइप्स के रूम्स हैं, जैसे कि हॉस्टल वाले बंक बेडरूम्स या फिर डबल बेडरूम्स या फिर फैमिली रूम्स। रूम के मुताबिक एक इंसान की टिकट 5,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक आती है। इसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। शिप में एंटर करते ही सबसे पहले आता है शिप का रिसेप्शन एरिया। इस शिप में अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग फ्लोर्स हैं, जिसे हम डेक्स कहते हैं। हर डेक पे अलग अलग रूम्स हैं और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हैं। इस शिप में 2 रेस्टोरेंट्स भी हैं और उनमें से एक है ये वाला। शिप पर चढ़ते ही सबसे पहले हमें स्नैक्स और चाय कॉफ़ी के लिए यहाँ पे रेस्टोरेंट में लाया गया है। इसके बाद हमें हमारे रूम की मिलेगी। सो जल्दी से हम चाय कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और उसके बाद अपने रूम में जाएंगे। अब मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। सो ये है हमारे रूम का बेड, ये अलमीरा है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं बाथरूम कैसे यूज़ करना है, और बेड के सामने एक मिरर है और मिरर के राइट साइड पे बाथरूम है। बाथरूम में सारी फैसिलिटीज हैं, फ्लश है, शावर है, वॉश बेसिन है। सो कुल मिला के ये छोटा सा रूम है पर बहुत ही स्वीट सा, प्यारा सा, कोजी सा रूम है। इस शिप के बाहर का नजारा भी बहुत खूबसूरत है। एक तरफ ये स्विमिंग पूल है, और वहीं दूसरी तरफ ये ओपन सिटिंग एरिया है जहां बैठकर सुकून से बातचीत की जा सकती है, बाहर का नजारा एंजॉय किया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत सनसेट हुआ है और इसके बाद अब कुछ पूल साइड परफॉर्मेंसेस हैं और फिर डिनर होगा, डिस्को भी है। देखते हैं क्या क्या एंजॉय करते हैं। इस शिप में एक रीडिंग रूम भी है जहाँ पे कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं, बच्चे और बड़े यहाँ पे बुक रीडिंग कर सकते हैं। इस क्रूज पर एक स्पा भी है जहां पर आप रिलैक्सिंग थाई मसाज का मजा ले सकते हैं। बाहर रात हो गई है और स्विमिंग पूल के पास कुछ परफॉर्मेंसेस हो रही हैं और लोग अपनी फैमिलीज के साथ बैठकर उन परफॉर्मेंसेस को एंजॉय कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ इस शिप के डिस्को में डीजे चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है और लोग डांस एंजॉय कर रहे हैं। और हम पहुंच गए हैं इस शिप के दूसरे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए।
सोने से पहले सुबह 5:30 का अलार्म लगा लिया है क्योंकि सुबह सनराइज देखना है। सो अभी गुड नाइट। सुबह के 6 बजे हैं, खुद को जैसे तैसे करके जगाया है बिकॉज सी में ये सनराइज देखने का मौका रोज़ रोज़ नहीं आता। सो सोचा कि जैसे तैसे उठते हैं और ये सनराइज़ देखते हैं। सनराइज का जो खूबसूरत सा नज़ारा हमने देखा उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसे समझने के लिए आपको वहां होना ही पड़ेगा। इस क्रूज पर हमारे कुछ लास्ट मोमेंट्स बचे हैं क्योंकि अब हम गोवा पहुंचने वाले हैं, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। डन विद द क्रूज और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और जा रहे हैं गोवा।